जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज ये हमारा चौथा व्लॉग है और 2 दिन हमारे स्किप हो गए जी, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगेन हमारी गैरहाजिरी ना हो। आज हम बात करेंगे ऊद के ऊपर। ऊद एक ऐसी फ्रेगरेंस है जो सालों साल सदियों से चलती आ रही है। ऊद कभी भी किसी भी जो जो मुआशरे के लोग हैं उनसे ये दूर नहीं रहा। बेसिकली जो ऊद है एक लकड़ी होती दरख्त जिसको इंग्लिश में अगरवुड कहते हैं और उर्फुल आम में इसको ऊद कहते हैं, मशहूर ऊद के नाम से ही है। उस वो जो लकड़ी होती है पर्टिकुलर अपना दरख्त की, उसको फंगस जब लगती है कुदरती तौर पे, यानी कि जब दरख्त को कीड़ा लगता है तो उसमें से वो जो उसका वो रस निकलता है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं बेसिकली। तो वो आपका जो है ना वो ऊद एक फ्रेगरेंस उससे डिवेल्प होती है। अब हमारे पास ना दो तरह के ऊद हैं, आज हम आपको दो तरह के ऊद दिखाएंगे। एक तो ये है जी, ये बहुत थिक है इंडियन ऊद, ये देख रहे हैं आप व्यूअर्स, ये जो हनी होता है ना शायद उससे भी ये समझें कि आप ये 200% ज़्यादा थिक है हिंदी ऊद है जी। और फिर उसके बाद ये कम्बोडियन ऊद आ जाता है, कम्बोडियन ऊद ये भी बहुत मशहूर है। दोनों की अपनी अपनी खासियत हैं। हिंदी ऊद के ऊपर आते हैं, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है, मगर 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 इसको लगाने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, हौसला चाहिए, क्योंकि ये व्यूअर्स 2 दिन तो इसको मैंने ना टेस्ट किया है, ठीक है जी, टेस्ट किया। अब ये थोड़ी सी है ना, इसका लाइक एक ड्रॉप इसको लगा लेंगे ना, ठीक है, और इसको बस लगा के इसको बस भूल जाना है आपने, ऊद को लगा के आप भूल जाएं। फिर आप काम करते करते आप अचानक ही जब कोई मुँह धोते हैं या कुछ कहीं हाथ जाता है तो लहर आप घंटे बाद देखेंगे, ओ यार ये प्यारी खुशबू किधर से आ रही है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी हार्ड नोट स्पाइसी जो इसके जो अकॉर्ड्स हैं वो स्टार्ट में कम से कम 1 घंटा लेते हैं ख़त्म होने में। मार्केट में और भी बहुत सारे ऊद हैं जो पड़े हुए हैं, हम आज बात कर रहे हैं जी जो प्योर ऑर्गेनिक हिंदी ऊद है, ठीक है, इंडियन ऊद उसके ऊपर। तो जो मार्केट के अंदर जो ऊद अवेलेबल हैं वो उसकी जस्ट स्वीटन नोट्स जो उसकी हैं, या थोड़ी जो सिट्रस थोड़ी स्वीटन टाइप उस टाइप की सारी जो है ना वो उसके अंदर, क्योंकि जो हार्ड नोट्स और ये जो इसके अंदर जो ज़्यादा लाइक उसमें जो तेज़ है ना उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि ऐसी मतलब मशीनें वो आ गई हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है। जो हार्ड नोट्स वही जो मैं कह रहा हूँ 1 घंटा वेट करना है इसकी स्वीट सॉफ्टनेस को चेक करने के लिए, वो मशीन से इसकी हार्डनेस निकाल लेते हैं और सॉफ्टनेस की फॉर्म में ऊद मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपको 200 300 400 और 500 की रेंज में मिलते हैं ना। तो जो ये इंडियन ऊद है, इंडियन ऊद बेसिकली बहुत हार्ड फॉर्म में होते हैं और इनके जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं हार्डनेस और सॉफ्ट स्वीटन फॉर्म जो आवाम को बहुत ज़्यादा पसंद है आजकल लोगों को, वो निकाली जाती है और मार्केट में बहुत कम प्राइस में अवेलेबल होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो कम्बोडियन ऊद होता है, कम्बोडियन ऊद ये इसकी ये भी अपने आप में बहुत ज़बरदस्त आइटम है, बहुत माशाल्लाह अच्छी इसकी नोट्स हैं और उससे थोड़ा सा ये जो है ना वो लाइट होता है, ठीक है जी। जो इंडियन ऊद है ना जी, हिंदी ऊद, उससे थोड़ी सी इसकी जो फॉर्म है ना वो लाइट है। बट अगर देखा जाए, अगर दोनों को हम कंपेयर करें तो अगर प्राइस में देखा जाए, प्राइस रेंज में, तो डेफिनेटली जो है ना वो इंडियन ऊद वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। और ऊद एक ऐसी चीज़ है कि ये जितना पुराना होता जाएगा, देखें जी पुराना से मुराद के अब जो है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास उसके कोई दादे परदादे ने उसका कोई ये एक्सट्रैक्ट किया ऊद का, कोई जो है ना वो उनके पास कोई पुराना ऊद पड़ा हुआ है, बेसिकली जितना वो पुराना होगा उतना वो थिक होगा, फिर उसकी जो जो उसकी जो नोट्स हैं उतनी वो उसकी नोट्स लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है जी। तो बेसिकली जो है ना वो ऊद ज़बरदस्त आइटम है और अब तो इसकी बहुत सारी फॉर्म्स आ गई हैं। टॉम फोर्ड, बड़ी बड़ी कंपनीज जो परफ्यूम बनाते हैं उन्होंने, ये तो एक एक तरह का ऑलमोस्ट 50% परफ्यूम्स के अंदर यूज़ हो रहा है ऊद, और एक बेसिक इंग्रेडिएंट बन चुका है। तो इंशाल्लाह ये जी आज हमने इंडियन ऊद और कम्बोडियन ऊद इन दोनों के ऊपर ये छोटी सी वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह डिटेल में कल किसी एक और जो है ना फ्रेगरेंस को लेके हाज़िर होते हैं। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।